तानिया बेटा, कुसुम कहाँ है? कुसुम बीबी पर अपने घर चले गई है। देखा सरला, किस्मत को अभी ये मंजूर नहीं है कि तुम कुसुम से मिलो। ये जिद छोड़ दो। नहीं, मैं कुसुम से मिलूंगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुसुम और अभय की शादी करवा के रखूंगी। क्या? कुसुम की अभय से शादी? ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्या कुसुम अभय की जिंदगी बचाने से इनकार कर देगी? नहीं, कुसुम कभी मेरी बात टाल नहीं सकती। लेकिन भाभी, अभय की शादी कैसे हो सकती है? वो तो कानूनन शादीशुदा है। तो करवा दो उनका डिवोर्स, तोड़ दो वो खोखले रिश्ते जिसको निभाने से पछतावा पड़े। कुसुम और अभय की शादी के बारे में सोचा जा रहा है? अरे उसका क्या, क्या आज की तारीख में ही मुमकिन है? और भाभी को कुसुम से कितनी उम्मीदें हैं? क्या कुसुम इस बात के लिए राजी होगी? और अभय, अभय की हालत तो देखो। मेरे ख्याल से उसके बारे में हम ना ही कहें कुछ तो ठीक रहेगा। स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। इस सपने को हकीकत में बदलने से रुकना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कुसुम से हर हाल में बात करूंगी। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, कभी नहीं। वकील साहब, इस केस से जुड़ी सारी बातें आपको बता चुका हूँ, सारी बारीकियां बता चुका हूँ। अब आप जल्द से जल्द ताशो और अभय का डिवोर्स करवा दीजिए। नो वरी, वैसे भी दोनों पार्टीज के डिवोर्स फॉर्म में सिग्नेचर तो हो चुके हैं, बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है। और अभय की हालत देखते हुए एक्स पार्टी डिवोर्स तो मैं जरूर अरेंज करवा दूंगा। और वैसे ताशो भी इस केस में कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपका काम जल्द से जल्द करवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसा महसूस कर रहे हो भाई? सच कहूं कसम, तुम्हें कुछ महसूस करने के काबिल नहीं दिख रहा। हर पल अपने माँ बाप की आंखों में अपनी मौत का ख्वाब देखकर टूट चुका हूं कसम, टूट चुका। बस अब बर्दाश्त नहीं होता कसम। ये मत समझना कि मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत है। दुख तो इस बात का है कि उनका सहारा बनने की वजह मैं उन्हीं से सहारा मांगा। नहीं अभय, इस तरह मायूस नहीं होती। जो इंसान अपने माँ बाप से इतना प्यार करता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उन्हें मायूस नहीं देखना चाहता, भगवान कभी उसे मायूस नहीं करते। तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। ये काला धागा आईने भेजा है तुम्हारे लिए। अब है ये सिर्फ एक काला धागा ही नहीं, यही काला धागा तुम्हें हर संकट से बचाएगा, हर मुसीबत से दूर रखेगा। तुम्हें किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अब है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच कह रही हूँ बेटी, तुम्हारे होते हुए अभय को कुछ नहीं हो सकता। तुम ही तो हो उसके जीवन की मौली। इस मौली की तरह अभय के ग्रह को भी बांध लो अपनी कुंडली से, जोड़ दो उसकी तकदीर अपनी तकदीर से। मैं जोड़ती हूँ इस रिश्ते को। सरला, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर तुमने ये कदम उठाया तो हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। दुख और मायूसी के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कोई गुरु जी पे पूरा भरोसा है, वो कभी हमें गलत सलाह नहीं दे सकते। अब भाई साहब, भाभी अब इतना कह रही है तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है कुसुम भाभी की बात मान दी जाए। चलो एक मिनट के लिए मान लो कि तुम कुसुम से बात करने जाओगी,
लेकिन क्या कहोगी कुसुम से? यही कि मेरे शादीशुदा बेटे से शादी कर लो, उसकी दूसरी पत्नी बन जाओ। सरला ताशु अभी भी अभय की पत्नी है, जब तक अभय को डिवोर्स नहीं मिल जाता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं कब अभय को ताशु से छुटकारा मिलेगा। बधाई हो भाभी, आपको छुटकारा मिल गया। अभय और ताशु अब पति पत्नी नहीं रहे। ये रहे उनके डिवोर्स पेपर्स। हे भगवान, आखिर तूने मेरी बात सुन ली, मेरी मदद की। देख लिया ना, आखिर भगवान ने बात सुन ली। नए रिश्ते को बनाने के लिए पुराना रिश्ता तोड़ दिया। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। कुसुम और अभय की किस्मत में मिलना लिखा है और मैं उन्हें मिलवा कर रहूंगी। मैं अभी जाके कुसुम से बात करती हूँ। सर, एक बार सोच लो। नहीं, ये वक्त सोचने का नहीं, फैसले का है और मैंने फैसला कर लिया है। ना समझे की भी हद होती है भाभी। आपको वो सब कहने की जरूरत क्या थी जो आपने कहा? और क्यों कहा आपने वो सब? निकिता, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रही हो मुझ पर और इतना बिगड़ रही हो? सरला भाभी को अच्छा लगे इसलिए कहा था मैंने तो। और वैसे भी कुसुम को राजपाट तो नहीं दे दिया ना मैंने। भाभी, आप जानती नहीं है कि आपने क्या कहा है और क्या किया है। अरे, कुसुम हमारे सर पर आकर राज करेगी। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाया था। अभय तो ठीक हो जाएगा लेकिन हम कुसुम से नहीं बच पाएंगे। आप जानती हैं भाभी, जो आपने किया उसे क्या कहते हैं? हाँ, आ बैल मुझे मार। निकिता, मैं तो सोच रही हूँ अगर घर में कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मैं सीधा अपने मैके का रास्ता ना पाऊंगा। और मेरी नानो, तुम भी अपना इंतजाम कहीं कर लो। भाभी, आप ये सब क्या कह रही हैं? आपको हो क्या गया है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह से मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। अभी तो ये जंग शुरू हुई है। चिंता मत करिए, हम पूरी तैयारी के साथ इस जंग में उतरेंगे। हाँ, फिर ना हुआ तो पलट हो सकता है। आई आई कहाँ है आप? आई क्या हुआ कुसुम? आई कहाँ है? कोई प्रॉब्लम? भैया, भाभी, मेरे कमरे में जो सिद्धार्थ की तस्वीर थी अब वो वहां नहीं है। आप लोगों को पता है कहाँ है? बाबा, आपको? यश? नहीं दीदी, मुझे तो पता नहीं। क्या हुआ कुसुम बेटा? आई आई, मेरे कमरे में जो सिद्धार्थ की तस्वीर थी वो वहां नहीं है। कहाँ है वो? तुम क्यों चिंता कर रही हो कुसुम? मैं भला अपनी बेटी की यादों को गुम कैसे होने देती? जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तस्वीर का कांच टूटा था, बनवाने दिया था मैंने। ये लो। सिद्धार्थ, एक ही आपकी तस्वीर ही तो है जो मेरी हर बात सुनती है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ सिद्धार्थ, बहुत मिस करती हूँ। आई लव यू। मम्मी जी, आप आइए ना, बैठिए। बेटा, बहुत प्यार करती है ना अपने सिद्धार्थ को? सच, सिद्धार्थ था ही ऐसा, सबको प्यार।
प्यारा लगे। एक बेटी को खोने का दुख माँ ही समझ सकती है। ऐसी माँ जिसने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कुसुम, बदकिस्मती से तुम सिद्धार्थ को तो नहीं बचा पाई, मेरे अभय को बचा लो। मैं अभय का जीवन तुमसे मांग रही हूँ। आप क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे, जीवन देने वाला भगवान होता है, जन्म देने वाली माँ होती है, और उस जन्म के सुख दुख को बांटने वाली अर्धांगिनी होती है। कुसुम, मेरे अभय की अर्धांगिनी बनोगी? आपको पता भी कि आपने मुझसे क्या कहा? मम्मी जी, मेरे और अभय के बीच ये रिश्ता नामुमकिन है। नहीं कुसुम, मैं कोई रिश्ता जोड़ने की बात नहीं कर रही हूं, पर किसी जिंदगी को जोड़ने की बात कर रही हूं। मैं मांग में सिंदूर सजाने की बात नहीं कर रही हूं, पर वो सिंदूर का रंग किसी के जीवन के रंग में घोलने की बात कर रही हूं। मैं सात फेरों की बात नहीं कर रही हूं, पर मेरे अभय के एक जीवन में सात जीवन की बात कर रही हूं। नहीं मम्मी जी, मैं भगवान नहीं बन सकती, पर उसका निमित्त तो बन सकती हो ना। अगर मेरे हाथ में किसी की जिंदगी बचाने की बात है, अगर मैं किसी की जिंदगी बचा सकती, तो क्या आज मेरा सिद्धांत साथ नहीं होते? होता अगर तू उसके साथ हो, क्या तू अभय के लिए भी यही चाहेगी? अभय के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ मम्मी जी, मगर प्लीज मुझसे ये त्याग मत मांगिए। कुसुम, जब अभय की जिंदगी तुम्हारी हाथ पे टिकी, मैं तुम्हारी जान लेके क्या करूंगी? नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी, नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी। तन से एक नाल टूटती है, बच्चा माँ के शरीर को छोड़कर दुनिया में आता है। और फिर से मुझे लग रहा है मेरे शरीर से एक नाल टूट रही है। इस बार मेरा बेटा दुनिया में आने के बदले दुनिया से दूर जा रहा है। काश फिर से मैं तुझे दूसरा जन्म दे पाती। बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटे। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाई।
मैं मेरी कुसुम के घर से खाली हाथ वापस आ गई हूँ। मैं हार गई हूँ अभय। सारे घर में तुम्हें ढूंढा, क्या बात है कुसुम? यहां देखो, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आई, बस सिद्धार्थ की याद आ गई थी। नहीं कुसुम, ये बात नहीं है, जरूर कुछ दूसरी बात है। बोलो ना बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं आई, कहा ना बस ऐसी हुई। प्लीज कुसुम बोलो क्या हुआ, अपने आई को नहीं बताओगे? आई वो क्या हुआ कुसुम, तो मुझे नहीं बताओगे? बोलो क्या बात है? आई मम्मी जी यहाँ आई थी और वो चाहती कि मैं अभय से दोबारा शादी करूँ। आई उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अभय से दोबारा शादी करूँगी तो शायद अभय की जिंदगी बच जाएगी। कर दी सरलाची ने, जो मन में आए कह दिया, ये भी नहीं सोचा कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजरेगी। इस वक्त मेरी बेटी इतने नाजुक दौर से गुजर रही है, ये बात उनके समझ में नहीं आई? इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए मैं उनके यहां जाकर बात करूंगी। आई अब कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? ये बात कहकर सरलाची ने हमारा अपमान किया है। मैं उनके यहाँ जाऊंगी और मेरे सारे सवालों के जवाब पूछूंगी। यहाँ चुपचाप बैठकर मेरी बेटी के साथ हो रहा तमाशा नहीं देखूंगी। आई, आई, क्या हुआ सरला? तुम जब से आई हो रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ बात क्या है? कुसुम ने रिश्ते से इनकार कर दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। बेटे को खोने के डर से तुमने आज एक बेटी को भी खो दिया। गलती तुम्हारी है कि तुम कुसुम से उम्मीद लगाकर बैठी थी। तो क्या करती? हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती, कोशिश करना छोड़ देती मैं। उम्मीद तो थी कि कुसुम हाँ कर देगी, लेकिन मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी।